देखिए, आज जो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इस सेशन में हम लोग बीजी के अंदर अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है वेट एंड जीएसटी। ये टॉपिक कई मायनों में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। छोटे छोटे इसके अंदर हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर आप इनको फॉलो कर लोगे तो फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले टॉप पर लिखा होता है अनेबल जीएसटी वेट रिपोर्टिंग। अगर आपने कोई ऐसी कंपनी बनाई जिस कंपनी को बनाते वक्त आपने जीएसटी, जो पूछता है ना कि आपको जीएसटी अनेबल करना है या नहीं करना है कंपनी बनाते वक्त, अगर आपने उसको नो कर दिया तो ये टॉपिक क्या होता है, डिसेबल होता है। तो आप यहाँ से आके इस टॉपिक को क्या कर सकते हैं, अनेबल। लेकिन अगर आपने उस टॉपिक को यस कर दिया तो बाद में आप उस टॉपिक को नो नहीं कर सकते। मैं बताया किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ आप लोगों से, मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ, डिसेबल नहीं हो सकता। अगर अनेबल नहीं है तो अनेबल हो जाएगा, डिसेबल नहीं। क्लियर? सबसे पहले एक है वेट, एक है जीएसटी। अगर आप मुझसे क्लास ले रहे होते सन 2017 में तो मैं ज़रूर जीएसटी भी बताता हूँ, ज़रूर वैट भी बताता हूँ। लेकिन अब मैं ओनली जीएसटी बताता हूँ, क्योंकि वैट पूरी तरीके से डिलीट हो चुका है और उस पर अपना टाइम ख़राब करने का हमारे पास अभी टाइम नहीं है। तो हम किस पर क्लिक करेंगे, जीएसटी। जैसे आप जीएसटी पर क्लिक करते हो, पता है आपके अगर इस कंपनी के अंदर एक और ईयर होता तो आपको एक मैसेज आता है F12 का। किसका मैसेज आता, F12 का। वो आपसे पूछता आपको वैट से जीएसटी में जाना है या जीएसटी से वैट में आना है। तो ठीक है, पूछा है अलाउ स्विचिंग बिटवीन जीएसटी वेट यूजिंग F12, मतलब F12 के द्वारा आप जीएसटी से वैट में जा सकते हैं और वैट से जीएसटी में। इसके बाद क्रिएट डिफॉल्ट जीएसटी मास्टर। कई बार क्या होता है, आप कहीं जॉब कर रहे हो तो यहाँ पर सेल टाइप नहीं आते। क्या नहीं आते, नहीं आते। ये आते हैं तो प्रॉपर नहीं आते, एक दो ही आता, ज़्यादा नहीं आते। तो अगर हमें ज़्यादा लाना हो तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से कहाँ जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करूँगा बिजी आपसे पूछेगा डिफ़ॉल्ट जीएसटी रेट क्या रखना है। आपको पता है जब आप कंपनी बनाते हो तो आपसे दो ऑप्शन पूछता है कि आपको टैक्स कितने डालने हैं, या तो आप 12 डाल सकते हो या तो 5 डाल सकते हो, मतलब एक बार में दो टैक्स डाल सकते हो। वही पॉपअप आ गया, इसको स्किप कर दो। स्किप इसलिए करा क्योंकि जितने होंगे वो सारे बन जाएंगे। आ गया क्रिएट डिफॉल्ट जीएसटी मास्टर सक्सेसफुली। कह रहा है क्रिएट जीएसटी वाउचर सीरीज, आप इसको नो कर देना। जीएसटी मास्टर क्रिएट सक्सेसफुली। क्लियर? कोई डाउट उसके अंदर? सिग्नेटरी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा सिग्नेटरी होता क्या है। इसके बाद आपका टैन नंबर, अगर आप कंपनी बनाते वक्त अपना जीएसटी नंबर भूल गए तो आप यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर टाइप कर सकते हैं। कई बार होता है कि आप कंपनी बना लेते हो स्पीड में लेकिन आप जीएसटी नंबर डालना भूल जाते हो, तो कहाँ से डालोगे, यहाँ से डाल दोगे। इसके बाद नीचे जब आओगे तो यहाँ पर एक टॉपिक है डिफॉल्ट टैक्स रेट। क्या लिखा है? अब आप कहते हैं मेरा काम ना मैक्सिमम 12% में होता है, 18% में होता है, तो कितना डाल दो, 18। तो बीजी क्या करेगा, जब भी आप सेल करोगे तो डिफॉल्ट में कितना उठा लेगा, 18। आप आइटम बताओगे, आइटम में कितने परसेंट उठा लेगा ऑटोमेटिक, 18। फिर क्या हो गया, डिफॉल्ट हो गया आपका टाइम। नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा कौन कहता चेंज। डिफॉल्ट मतलब होता है फिक्स हो गया, अगर आपको चेंज करना तो कर सकते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद लिखा है, नीचे लिखा है ट्रांसपोर्ट डिटेलिंग लोकल सेल परचेज। अगर आप अपना माल लोकल स्टेट में बेचना चाहते हैं और उसमें ट्रांसपोर्ट चाहते हो तो आप किस टॉपिक को इनेबल करोगे। इसमें मैं आपको बता दूं, रियल लाइफ में अगर आपको लोकल के अंदर कोई भी बिल बनाना है और उसके अंदर ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है तो अगर आप इस टॉपिक को इनेबल नहीं करोगे तो ट्रांसपोर्ट का टॉपिक आता ही नहीं है। अब इनेबल कर दिया ना, अब आ जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट, आ गया, अदरवाइज ये कभी नहीं आता। क्लियर? ये आपको याद रखना। इसके बाद जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पर लिखा है अनेबल ई वे बिल रिक्वायर्ड। ये टॉपिक मैं आपको आज डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि जब मैंने उसी टाइम आपको रिपीट कर दिया जब मैंने आपको ई वे बिल सिखाया था। मैनुअल ई वे बिल भी सिखाया था, ऑटोमेटिक भी दिखाया था, जितना पॉसिबल था सब बता के दिखाया था। तो इस समय मैं अनेबल ई वे बिल रिक्वायरमेंट के बारे में कुछ नहीं बताने वाला। क्लियर? ये आप लोगों ने लास्ट टाइम ही कर लिया था।
इसके बाद जैसे ही नीचे आओगे आपको मिलेगा अनेबल टैक्स डायरेक्ट, इंटर मारो ईबे बिल बन जाता है। नीचे आओ अनेबल टैक्स ऑन एडवांस रिसीव। आप सभी को पता है कि जब आप कहीं जॉब करते हो और कोई पार्टी आपको एडवांस पैसा देके जाती है, सपोज मैं मई मंथ में काम कर रहा हूँ, मेरे पास पार्टी आती है और कहती है सर ये 1 लाख रुपये रख लो लेकिन माल मुझे कब देना, नेक्स्ट मंथ में। टैक्स पैसा आज ले लो लेकिन माल कब भेजना, नेक्स्ट मंथ में। तो मैं इसे क्या मान लूँगा, एडवांस रिसीव। जैसे ही आप इस टॉपिक को अनेबल करोगे तो आपके रिसीव के अंदर एक टॉपिक आ जाएगा एडवांस रिसीव। जो पार्टी आपको एडवांस पैसा देके जाएगी आप उसके एंट्री किस में कर लेंगे, एडवांस रिसीव में। और आप यहाँ से एक पार्टी बना लो, आ गया पॉपअप, ठीक है। एलोकेशन ऑफ एडवांस विद जीएसटी, पार्टी नेम एसएस सॉफ्टवेयर, तो आप यहां टाइप कर दो 101, 1,20,000, टैक्स रेट 18%। पता है इंक्लूसिव होता है, क्या होता है ये इंक्लूसिव, कितना आ गया 101,694.92 रुपए, टैक्स कितना बन गया इतना। पता है इस एंट्री को आप जैसे ही सेव करोगे तो आपका GSTR 1 के अंदर जो आपकी एक टेबल होती है एडवांस रिसीव, उसके अंदर वो रिफ्लेक्ट करने लगेगा। ठीक है, और अगर वो पार्टी आती है नेक्स्ट मंथ माल ले जाएगी तो आप एंट्री कहाँ करोगे, रिसीव में। आप इसे डाल दो इंक्लूसिव, पार्टी का नाम SS, ठीक है। आइटम 1 1 पीस, टोटल कितने का 1,20,000 का, क्लियर आ गया। और टैक्स परसेंट कितना ले लो, टैक्स 18% ले लो, क्लियर आ गया। जैसे ही आप इस पॉपअप को सेव करोगे आपके पास वही मैसेज आएगा एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस विद जीएसटी, तो आपने जो उस बिल काटा अब उसको क्या कर दोगे, एडजस्ट कर दोगे, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, एडवांस विद जीएसटी। और ये मार्केट में यूज होता है अगर आप ऐसी फर्म में काम करते हो जिनके पास इस तरह का डीलिंग होती है, तो प्लीज आप पहले उसके रिसिप्ट लें, किसके अंदर लें, एडवांस रिसिप्ट के अंदर, और फिर उसका बिल काट दें किसके अंदर, सेल के अंदर। अगर आप पार्टी सेम मंथ में माल लेके जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे नॉर्मल रिसिप्ट लो, लेकिन अगर माल डिफरेंट स्टेट मंथ में जाएगा तो आप उसके लिए पहले एडवांस रिसिप्ट लो, उसका टैक्स गवर्नमेंट को दो, और जिस महीने माल बिकेगा उस महीने गवर्नमेंट से आप उसका क्या ले लो, क्लेम कर लो। इसके बाद नीचे जो एक टॉपिक आता है वो आता है जीएसटी पोर्टल यूजर नेम। आपका जो भी जीएसटी का यूजर नेम है आपको क्या करना है, यहाँ टाइप कर देना है। सपोज मेरा यहाँ पर है तो मैं ये टाइप कर देता हूँ। इसे टाइप करने का बेनिफिट ये होता है कि आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक GSTR 2A की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसे कि आपको याद है हमने जब GST करा था तो मैंने आपको बताया था जब आप GSTR 1 भरते हो तो वो आपके पोर्टल पर GSTR 2A के अंदर शो करता है, क्योंकि GSTR 1 सेल की होती है और GSTR 2 किसकी होती है, परचेज की। अगर मैंने किसी को सेल किया सामने वाले क्या बन जाती है, परचेज। अगर आप उसकी रिपोर्ट देखना चाहते हो तो अपना यूज़र नेम यहाँ टाइप कर दो। जैसे ही आप अपना यूज़र नेम यहाँ टाइप करोगे उसके बाद क्या है, आपके सिस्टम में नीचे एक टॉपिक खुल जाएगा जिसका नाम होगा सेव GSTR 2A। लेकिन ये टॉपिक तभी अनेबल होगा जब आपके पास क्या होगा, डोंगल होगा। जैसे मेरे पास ये डोंगल पड़ा है, मैं डोंगल जब तक नहीं लगाऊंगा जब तक ये टॉपिक क्या करेगा, काम नहीं करेगा। आइए मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ और फिर दोबारा इसको ऑन करके दिखाता हूँ। याद है कौन सी कंपनी यूज कर रहे थे,
क्या नाम था? अब देखो, जैसे ही मैं इस टॉपिक को सेव करूंगा, सेव करने के बाद यहाँ एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है सेव GSTR2। जैसे ही क्लिक करोगे आपको कुछ नहीं करना। ईयर क्या है आपका? 19-20। 19-20 में नहीं हो सकता है। कौन से ईयर में होगा? 18-19 में। अगर करना चाहो तो अप्रैल मंथ की कर सकते हो। क्लिक करो, पता है पोर्टल से वहाँ फाइल डाउनलोड होगी और डाउनलोड होकर कहाँ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। देखो मेरे पास मैसेज आया, मैसेज टाइप करा, ओके। तो देखो उस मंथ की जो मेरी फाइल थी वो डाउनलोड हो गई और यहाँ सेव भी हो गई। अब मुझे ये नहीं देखना कि किस किस पार्टी ने मेरे को माल बेचा और उसने रिटर्न भरी या नहीं भरी। मैं इसके ज़रिए ऑटोमेटिक देख सकता हूँ कि पार्टियों ने जो रिटर्न भरी है वो सही भरी है या नहीं भरी। तो इसका मतलब अभी टैली वालों ने रिटर्न भर दी लेकिन मैंने अभी उसकी एंट्री नहीं करी। मैंने एक दो बिल काटे किसके? अमन फैब के, लेकिन मैंने अभी उसकी रिटर्न नहीं, मतलब ये क्या मैच नहीं हो रहा। पता है जब तक ये मैच नहीं होगा जब तक क्या देगा हमें ये रेड। पता है बीजी बताता है बीजी, ये आपने एंट्री करी, ये जीएसटी पोर्टल पर है। ये आपने एंट्री करी है जीएसटी पोर्टल पर, ये आपने एंट्री करी है जीएसटी पोर्टल पर। जहाँ GSTR2 इसका मतलब डाटा कहाँ से उठ के आ रहा है? पोर्टल से उठ के आ रहा है। लेकिन जहाँ बीजी लिखा है इसका मतलब वो आपकी एंट्री। इसमें क्या है, हमने एंट्री करी लेकिन पोर्टल ने नहीं करी। इसमें हमने एंट्री नहीं करी बट पोर्टल ने एंट्री करी। क्लियर है? क्लियर। तो ये टॉपिक, पता है आप कहीं भी जॉब कर रहे हो और अगर आपको 3B भरने का ऑप्शन मिलता है तो आप सबसे पहले ये काम करना, सबसे पहले उसकी GSTR2A को चेक करना, उसके बाद उसकी 3B फाइल करना। कभी गलती नहीं लगेगी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। किसी भी कंपनी का अगर आपको ऑप्शन मिलता है GSTR 3B फाइल करने का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को GSTR 2A को चेक करना है, उसके बाद 3B फाइल करनी है। मैंने अब तक जितनी कंपनियों की रिटर्न फाइल करी है उसमें कोई गलतियाँ नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैं GSTR 2A को चेक करता हूँ, फिर अपने डाटा को चेक करता हूँ, दोनों का मैच मिल जाता है, फिर मैं क्या डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर क्या, फिर 3B फाइल करता हूँ। और ये बहुत अच्छा तरीका है। आ जाइए इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अनेबल सेस। सेस क्या होता है? एक एडिशनल टैक्स होता है, टैक्स के ऊपर टैक्स। अगर आप लोग ऐसी चीज का सप्लाई करते हो जो हेल्थ के लिए हानिकारक है, जस्ट लाइक आप सिगरेट बेचते हो, कोल्ड ड्रिंक बेचते हो, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है, टैक्स के ऊपर सेस लगता है। और कितना? 160%। सिगरेट अगर आप लोग बिजनेस करते हैं तो 28% उसके ऊपर टैक्स है और सेस इसके ऊपर 160% है। इतना गवर्नमेंट टैक्स क्यों ले रही है? कि लोग कम से कम पिए, लेकिन जिसको पीनी है वो तो पिएगा भैया। क्यों साजिद? ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस टॉपिक को अनेबल कर लेना है। जैसे आप इस टॉपिक को अनेबल करोगे आपके जो सेल टाइप होगा उस सेल टाइप पर यहाँ एक और टॉपिक मिल जाएगा जिसका नाम होगा सेस। आपको जितना डालना है उतना डाल दो। ठीक है, अब आप जो भी बिल बनाओगे वो ठीक है। अब क्या लगेगा? CGST भी लगेगा, SGST भी लगेगा, उसके साथ साथ क्या लग जाएगा? सेस। हाँ इसके बाद सेस के ऊपर भी सेस लगता है, उसे क्या बोलते हैं? एडिशनल सेस। ठीक है, इतने में ही रहने दो, एडिशनल सेस के ऊपर मत जाओ। इसके बाद होता है शो सेल परचेज अमाउंट एज टैक्सेबल अमाउंट इन GST रिपोर्ट। पता है आप इसे शो कर दोगे तो आपका जो भी टैक्सेबल अमाउंट होगा वो आपको यहाँ जो दिखता है ना, ये उसकी बात कर दो। नीचे आ जाओ, नीचे मिलता है टैक्स रेट डेसिमल प्लेस। आप जब भी टैक्स निकालते हो तो उसमें दो डेसिमल आता है, आप चाहते हो डेसिमल आए ना, उसे क्या कर दो? जीरो।
तो कभी भी आपका टैक्स के अंदर डेसिमल नहीं आएगा। आ जाइए दिखा दो, आपने एक बिल काटा 100 रुपए का बिल है मान लो, 100 रुपए पे टैक्स लगाओगे तो कितना आएगा, 12 आ रहा है ना, मान लो ये आ जाए 112 रुपए 50 पैसे, कितना आ रहा है 13 रुपए 50 पैसे, कितना आ रहा है 13 रुपए 50 पैसे। बट ये क्या हो रहा है, राउंड ऑफ हो रहा है, क्या हो रहा है राउंड। अगर आप इसे कर दो 12 रुपए 44 पैसे, हाँ वो उसकी ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी मिस हो गया माइंड से। इसने क्या कह रहे हैं कि अगर आपने 5 लिया और नीचे आके यहाँ टैक्स रेट लगाओगे तो कितना दिखाएगा, हाँ लोकल लेना था, कितना आ गया 3 थी, यहाँ देखें उसे क्या करता है राउंड ऑफ में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट आओगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा, शो कैप्शन ऑफ सेल परचेज वाउचर एज सप्लाई आउटवर्ड एंड सप्लाई इनवर्ड। अगर आप चाहते हो अपनी सेल का नाम चेंज करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं, सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड रिटर्न सप्लाई इनवर्ड, क्लियर, ये याद रखना है आपको। ये आपका टॉपिक था जीएसटी एंड वेट का। इसके बाद एक्साइज मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, सर्विस टैक्स मैं आपको कराता नहीं, कराऊंगा नहीं, क्योंकि ख़त्म हो गई दोनों टैक्स। पोस्ट बिलिंग और TDS जब हम बारकोड करेंगे तब सीखेंगे, TDS इनकम टैक्स के समय देखेंगे, POS जब बारकोड स्टार्ट करेंगे। अब आपका एक ही फंक्शन बचा इसके अंदर इंटरप्राइज, ठीक है, इंटरप्राइज जब बीजी के लास्ट स्टेज पे हो गया आप लोग तब कराऊंगा, अभी नहीं। तो आज आपका फीचर ऑप्शन टॉपिक ख़त्म हो गया, कल से हम लोग वाउचर कन्फिगेशन पर स्टार्ट करेंगे, और मे बी 2 या 3 क्लास लगेगी, हमारा बीजी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, और फिर हमें डिस्प्ले प्रिंट ईमेल और हाउसकीपिंग को डिस्कस करना है।